हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेलुगु फिल्म देवरा की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा ओटीटी पे आपको कब देखने मिलेगी, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, ट्रिपल आर की रिलीज के साल बाद जूनियर एनटीआर की सोलो फिल्म देवरा बीते 27 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फैंस ने अपने फेवरेट सुपरस्टार की इस फिल्म का जमकर जश्न मनाया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो फैंस ने त्योहार की तरह जूनियर एनटीआर की देवरा का वेलकम किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जितनी हाइप इस फिल्म की थी, जो उम्मीद इस फिल्म से की गई थी, उस पैमाने पर ये फिल्म खरी नहीं उतर पाई। वैसे एक और जहां देवरा के एक्शन सीक्वेंस, वीएफएक्स और कलाकारों की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई हैं, तो वहीं ये फिल्म कहानी के मामले में मात खा गई। वेल, आपको बता दें, करीबन 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म देवरा ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ के आसपास बिजनेस किया है। और अब कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बनी देवरा पार्ट 1 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है और इस फिल्म के ओटीटी पे आने का वेट कर रहे हैं, तो आपको बता दें, एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा की राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 155 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदे हैं। तो नेटफ्लिक्स पे आपको ये मूवी देखने मिलेगी। रिलीज डेट आपको बताएं तो इस फिल्म की दो ओटीटी डेट एक्सपेक्ट की जा रही है, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर। वैसे तो 25 अक्टूबर को ही ये फिल्म ओटीटी पे आप सभी को देखने के लिए मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर 25 अक्टूबर को नहीं आती है तो 1 नवंबर को तो देवरा अपना ओटीटी प्रीमियर कर ही जाएगी। तो दोस्तों, अभी फिलहाल तो यही अपडेट है। बाकी जैसे ही चैनल की तरफ से देवरा पार्ट 1 की ओटीटी डेट ऑफिशियल तौर पर अनाउंस की जाती है, वो भी हम आपको अपने इसी चैनल पर पोस्ट के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ।